एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएट एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम का सिलेक्टेड चार क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो अभी हम लोग चार मतलब सेलेक्ट क्वेश्चन इसलिए किए हुए हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। 2014 टू 19 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। तो हम लोग उसमें से सेलेक्ट किए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है जो कि आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर करता हो, तो हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं। और अलग अलग सीरीज में वीडियो हम लोग छोटा बनाने के लिए अलग अलग सीरीज में उसको ला रहे हैं। टोटल हम लोग 14 क्वेश्चन टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चन देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट शियर फोर्स डायग्राम का ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, द बेंडिंग मूवमेंट एम इज कॉन्स्टेंट ओवर अ लेंथ ऑफ ए सेगमेंट एल ऑफ ए बीम। द शियरिंग फोर्स विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट ओवर दिस लेंथ एंड इज गिवेन बाई। तो देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ये चैप्टर आपका बीएमडी एंड एसएफडी का है। इसमें कह रहा है कि किसी भी बीम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट सिर्फ लग रहा है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही लग रहा है। तो इस बीम में आपको शियर फोर्स क्या होगा, चाहे शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा इस बीम का। तो अगर आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो हम लोग यहां से एक और चीज देख सकते हैं। हम लोग जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जानते हैं उसमें हम लोग क्या किए हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो करते थे। तो समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, यहां से हम लोग को क्या निकलता था, शियर फोर्स रिएक्शन निकल जाता था, रिएक्शन निकलता था। उसके बाद हम लोग शियर फोर्स देख लेते थे कितना आता है। तो यहां पे हमारा समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स आपको लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ मोमेंट है। तो हमारा जो फोर्स होगा वाई डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा इस बीम पे जो शियर फोर्स लग रहा है वो आपका क्या होगा, जीरो शियर फोर्स होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर इस बीम का हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप अगर हम लोग देखेंगे, तो आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जो होता है वो हमारा क्या देता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप हमारा शियर फोर्स देता है भी। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो मेरा होगा वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे आपको अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो हमारा स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। dm/dx यहाँ पे क्या आएगा, आपको जीरो आएगा। तो स्लोप हमारा जीरो आ रहा है, यानी कि स्लोप जीरो आ रहा है, यानी कि शियर फोर्स जो होगा किसी भी पॉइंट पे वो जीरो होगा। तो वही क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू पूछ रहा था जो कि क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन जो है उसमें आपको m/l दिया है, ऑप्शन बी में दिया है m/2l, ऑप्शन सी में m/4l और लास्ट ऑप्शन जो है वो डी दिए हुआ है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो लास्ट नन ऑफ दीज ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये सब काफी बेसिक शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसका कॉन्सेप्ट भी ये बहुत इजी चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छे से देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कपल समवेयर इन द स्पैन, इट वुड प्रोड्यूस। देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बोल रहा है कि इसके इस बीम पे कहीं भी बीच में कहीं भी एक कपल यानी कि एक मोमेंट आ रहा है, कपल के बदले एक आप क्या आ जाएगा, मोमेंट वहां पे डेवलप हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि इट वुड प्रोड्यूस अ रेक्टेंगुलर शियर फोर्स डायग्राम। तो देखिए यहां पे मान लेते हैं कि हम लोग m जो कपल का वैल्यू m आ रहा है, मोमेंट जो आ रहा है वो m आ रहा है, ये ra और ये rb हो जाएगा। तो हमारा यहां से अगर हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से देखेंगे तो Ra प्लस Rb आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्टिकल जो फोर्स इस पे लग रहा है वो कुछ नहीं लग रहा है, वाई डायरेक्शन में कोई लोड नहीं आ रहा है। तो हमारा Rb प्लस Rb जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब हम लोग जब मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो ये हम लोग मोमेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, Rb
इनटू एल, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मोमेंट जो है इस पे लग रहा है एज अ लोड मोमेंट लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये माइनस एल एम इजिकल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमारा आर बी क्या निकलेगा, हमारा आर बी यहां से एम बाई एल निकलेगा। तो इस इक्वेशन आर बी को यहां पे पुट करेंगे तो आर ए हमारा हो जाएगा माइनस एम बाई एल। तो हमको आर ए आर बी निकल गया, तो हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे शियर फोर्स डायग्राम मेरा क्या हो जाएगा, आर ए माइनस एम बाई एल है तो ये डाउनवर्ड जाएंगे माइनस एम बाई एल, उसका बीच में कोई लोड नहीं आ रहा है तो मेरा जो डायग्राम होगा वो कॉन्स्टेंट लीनियर ऐसे चला जाएगा स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद आर बी जो है अपवर्ड लग रहा है एम बाई एल वैल्यू, तो ये ऐसे एम बाई एल ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मेरा शियर फोर्स डायग्राम कैसा हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर शियर फोर्स डायग्राम, ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया है वो कह रहे हैं कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को क्या होगा, पैराबोलिक होगा। देखते हैं कैसा होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक किसके लिए होता है, बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक जब आपको यूडीएल लग रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो, तब हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो पैराबोलिक होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो मेरा ऐसे ही गलत हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव बेंडिंग मोमेंट व्हिच आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कपल ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। तो आपको क्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लग रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों आ रहा है, और जहां पे जिस पॉइंट पे आपका कपल आ रहा है उस पॉइंट पे आपको क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, दो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो अब हम लोग इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये हमारा क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि हमारा दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और एक गलत है। तो ऑप्शन देख करके आप समझ जाइए ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर फिक्स्ड सपोर्ट इन अ प्लेन स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन आपको पूछ रहा है किस पे, फिक्स्ड सपोर्ट पे। देखिए यहां पे हम लोग टोटल तीन टाइप का सपोर्ट देखेंगे। पहला जो सपोर्ट होगा मेरा वो फिक्स्ड सपोर्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, हर जगह ये काम आएगा आपको। सेकेंड सपोर्ट जो होगा मेरा वो हिंज होगा, और थर्ड सपोर्ट जो होगा वो रोलर सपोर्ट होगा, रोलर होगा। पहला ये क्या है आपका, फिक्स्ड है, सेकेंड वाला हिंज है, और थर्ड वाला आपका रोलर सपोर्ट है। तो देखिए यहां पे जो हमारा फिक्स्ड सपोर्ट पे जो रिएक्शन आता है वो क्या क्या आता है, यहां पे जो रिएक्शन आता है ऐसे, इसका बेंड अगर होगा तो थोड़ा आगे से बेंड होगा, तो यहां पे जो एक रिएक्शन आपको वर्टिकल आता है आर ए, चाहे इसको आर बी से डिनोट कीजिए, दूसरा रिएक्शन आपको हॉरिजॉन्टल आता है आर एच, और तीसरा जो होगा वो आपका मोमेंट आएगा। तीन रिएक्शन यहाँ पे टोटल लगेगा। हिंज सपोर्ट पे हम लोगों को एक वर्टिकल रिएक्शन आता है आर बी, दूसरा जो है आपका हॉरिजॉन्टल आर एच आता है, और यहाँ पे जो रिएक्टिंग मोमेंट होता है वो आपका जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिंज है, हिंज मतलब क्या, यहाँ पे आपको नट बोल्ट से कसा हुआ है, नट बोल्ट से कसा हुआ है, तो ये आपको ऐसे इसको रोटेट करा सकते हैं इजली वे में, इसी पॉइंट से ये रोटेट होगा, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो रिएक्शन यहाँ पे सिर्फ दो ही लगेगा, तो फिक्स पे तीन रिएक्शन, हिंज पे दो, और रोलर सपोर्ट में देखिए, रोलर सपोर्ट में आपको क्या है, यहाँ पे हिंज है और नीचे रोलर भी लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा,
एक्स डायरेक्शन में भी इसका मूवमेंट होगा और यहाँ पे रोटेशन भी होगा, इसका रोटेशन भी यहाँ से ये यहीं से डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये रोटेट भी कर सकता है, तो मूवमेंट भी यहाँ पे जीरो होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी आपका जीरो होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, एक ही लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन, सिर्फ वर्टिकल में रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे टोटल रिएक्शन कितना होता है, वन होता है। ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो पूछ रहा है कि फिक्स सपोर्ट में किसी भी जगह पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो फिक्स पे हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन आपका 3 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा फिक्स सपोर्ट पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट किया हुआ है ये भी क्वेश्चन, कि द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट हुयर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होता क्या है ये हम लोगों को समझना है। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर देखिए, अगर हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसी भी बीम के लिए, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा पॉइंट जहां पे आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करे, बस ये याद रखिए, सिर्फ साइन चेंज करें। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो अपना, मान लीजिए कि हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा है, तो ये जो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो जाएगा किसी बीम के लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पीओसी। तो ये हमारा स्टेटमेंट, सिंपली इसको यही याद रखना है कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता हो, निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव जाता हो, वो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहलाएगा। तो ऑप्शन में जो है आपका दिया है कि शियर फोर्स इज मैक्सिमम, ऑप्शन बी में है बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी में है शियर फोर्स चेंजेज साइन, और ऑप्शन डी में है बेंडिंग मोमेंट चेंजेज साइन। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंटेड बेंडिंग मोमेंट चेंजेज साइन। यहां पे एक और बात ध्यान में रखने वाला है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपका जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा हो वो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। जैसे कि यहां पे देख लीजिए, यहां ये इसी डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट ए पॉइंट इसको मान लेते हैं और इसको अगर हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या है, जीरो है, और यहां भी बी पॉइंट पे भी हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो है। तो क्या ये दोनों पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा, एकदम नहीं होगा, ये दोनों पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सिर्फ ये पॉइंट होगा जहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है अपना साइन चेंज कर रहा हो। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा हो वही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि द बीम शोन इन फिगर इज, अब देखिए कोई बीम दिया हुआ है, किस टाइप का बीम है, फिक्स्ड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओवरहैंग बीम है, तो इस तरह से आपको एक बीम दे दिया हुआ है कुछ इस तरह का, ये देखिए ये बीम दे दिया है और पूछ रहा है कि ये किस टाइप का बीम है, फ्री कैंटिलीवर बीम है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में है सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, ऑप्शन सी में डबल ओवरहैंगिंग बीम, ऑप्शन डी में प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ओवरहैंग कितना कर रहा है, एक ही साइड सिर्फ ओवरहैंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगली ओवरहैंग बीम हो जाएगा, डबली ओवरहैंग्ड बीम कितना होगा, डबली ओवरहैंग्ड बीम आपका कुछ ऐसा होगा, देखिए दोनों तरफ जब ओवरहैंग हो जाए बीम, ये देखिए सपोर्ट के दोनों तरफ बीम क्या है, ओवरहैंग हैंग कर रहा है, इधर कोई सपोर्ट नहीं है, तो सपोर्ट के दोनों तरफ हमारा बीम ओवरहैंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डबली ओवरहैंग्ड बीम हो जाएगा, ये हमारा डबली ओवरहैंग्ड हो गया। हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर जो होता है वो कैसा होता है, एक एंड जो होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो हमारा हिंज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर।
कैंटिलीवर बीम। तो ये आपका टाइप ऑफ बीम में से आ गया, तो ये समझ लीजिए आपका सिंगली ओवरहैंग बीम हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगली ओवरहैंग बीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक न्यूमेरिकल है। देखिए एसएससी जेई में जो क्वेश्चन आता है आप लोगों को, वो आपको न्यूमेरिकल अगर देख के आपको लगे कि लेंदी है काफी, तो उसको छोड़ ही देने में भलाई होता है। उसको अगर आप टच किए तो आपका 7 से 10 मिनट टाइम आपका ले लेगा, और यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा हो उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो आपको काहे आपको लगे कि इजी क्वेश्चन है बन जाएगा आपसे, लेकिन अगर लेंदी है तो छोड़ दीजिए, इमोशनल मत होइए, इमोशनल होने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इस पे पॉइंट लोड लग रहा है इतना, देखिए इस पे 30 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, तो रिएक्शन एट बी पूछ रहा है, आर ए और आर बी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कैसे निकलता है रिएक्शन, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही, प्रीवियस वीडियो में ही हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना है तीन ठो, समेशन एफ एक्स इज टू जीरो, समेशन एफ वाई इज टू जीरो और समेशन मोमेंट इज टू जीरो। ये हम लोग तीन इक्वेशन लगा करके उसके बाद हम लोग इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको डायरेक्ट रिएक्शन निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्लोप ऑफ कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल इक्वल टू, देखिए स्लोप ऑफ कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ये देखिए हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए हुए हैं कि अगर आपको शियर फोर्स डायग्राम मान लीजिए ये कुछ ऐसा हो, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया, तो इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या देगा, डीवी बाई डी एक्स क्या देता है हम लोगों को, उस पॉइंट पे लोड देता है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप निकाले तो उस पॉइंट पे बीम पे कितना लोड आ रहा है वो लोड का मैग्नीट्यूड देगा आपको। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में वही कह रहा है कि स्लोप ऑफ कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल इक्वल टू क्या होगा, तो ऑप्शन ए है स्लोप ऑफ लोडिंग एट द सेक्शन, ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन, सी में है द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम और डी में नन है। तो हमारा क्या देगा, ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन। तो लोडिंग डायग्राम का जो ऑर्डिनेट होगा मतलब कि सिंपली समझिए कि उस सेक्शन पे कितना लोड आ रहा है उसका वैल्यू आपको देगा क्या, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ये आपको लोडिंग का वैल्यू दे देगा। अब इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या कि मोमेंट एट अ हिंज विल, तो देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे हिंज सपोर्ट पे हमारा मोमेंट कितना आ रहा था, हिंज सपोर्ट पे हम लोग मोमेंट हम लोग क्या है, जीरो है, तो हिंज सपोर्ट पे मोमेंट का वैल्यू हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हम देख लिए कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये हम लोग सारा डिस्कस किए हैं। आप लोग बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हम लोगों से पूछिए, उसको हम लोग उस पर नया वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करेंगे, वो वीडियो आपका सारा डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफ्लेक्शन चैप्टर पे क्वेश्चन देखेंगे, डिफ्लेक्शन चैप्टर में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है उसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए आप लोगों को धन्यवाद, हमारे वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वहाँ से आपको क्या जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा आपको, कोई भी नया वीडियो हम लोग डालेंगे वो आपको नोटिस जाएगा नया वीडियो के। तो बहुत बहुत धन्यवाद।